दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सानू पंचाल लखनऊ में। आज आपको हम दिखाएंगे दुकान की जो रैक होती है उसको किस तरीके से बनाते हैं और कैसे हम लोग एक दुकान को पूरा फर्निश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं पीछे मेरे प्लाई वगैरह रखी हुई है और अभी हम जरा बैक कैमरा करते हैं। तो जैसे ये पट्टे हमारे कट चुके हैं दोस्तों, तो पट्टे काटने के बाद हम लोग ने इसमें निशान लगाया हुआ है। कैसे निशान लगाया है आपको दिखाते हैं। तो पहले जो आपने नीचे देखा हुआ था उसकी स्कार्टिंग का निशान है, ये 4.25 इंच स्कार्टिंग रख रहे हैं। ये टाइल्स थोड़ी ज़्यादा ऊपर है हमारी, उसके बाद में 1.25 इंच का निशान है, जो डबल निशान आप देख रहे हैं। ये पहले स्कार्टिंग आएगी इसके नीचे, इसके ऊपर बोर्ड आएगा, फिर उसके बाद इसी के खाने बांट दिए हम लोगों ने। हमारे जो खाने आ रहे हैं वो 12 इंची 3 फुट के खाने आ रहे हैं पूरे, और उसके बाद में 1.25 इंची बोर्ड का निशान है। ये किनारे की पट्टियाँ है हमारी, एक किनारे ये पट्टियाँ रहेगी, किनारे उधर वाली है, बाकी बीच में जो है हमारे 5 पीस इन समय भी निशान आप देख सकते हैं लगा दिए हम लोगों ने। अब निशान लगाने के बाद में इसमें खाँचा काटेंगे, ठीक है। तो खाँचे की वीडियो, फिर उसके बाद में ये खड़े वाले पोर्शन हो जाएंगे हमारे, फिर बेड़े वाले। तो दोस्तों हम लोग कटर मशीन से भी काटते हैं और कुछ लोग आरी से भी काट सकते हैं, दोनों तरीके से काट सकते हैं। बस ये हमको देखना रहता है 1.25 इंची का निशान है, तो इसके आधा हाफ कर लेते हैं। अगर शीशा वगैरह नहीं चलना, सिंपल रैक बननी है, तो सीधा हाफ करके इसको हम काट देते हैं। अबे ये टुकड़ा, हाँ ये देखिए दोस्तों, तो कभी कभी नापनी आपी में दिक्कत हो जाती है, तो ये 1.5 इंच का टुकड़ा भी रख के आप लोग निशान लगा सकते हैं कि बिल्कुल सही निशान है कि नहीं निशान है, और उसके बाद ये कटिंग होती है। देखिए यहाँ पे निशान रहता है थोड़ा सा जो है से गुलाई में रखे, तो उधर का नहीं कटता है, तो हम लोग आरी से इसको काट लेंगे, और बाकी ये रख के पूरा फिट आ रहा है से देख लेते हैं कि फिट आ रहा है कि नहीं, थोड़ा पीछे से मानने वाला। तो इसी तरह से सब में काट लेंगे सभी में, फिर उसके बाद हम लोग पूरी इसको रैक ठोकेंगे, खड़े वाले बेड़े वाले दोनों में निशान लगा के खाता काटेंगे सेम इसी तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग रैक ठोकेंगे। तो जैसा हम निशान लगा चुके हैं, निशान लगाने के बाद जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा होता है, जो खड़े वाले पोर्शन होते हैं, ये खड़े वाला पोर्शन जिसमें हम लोग खूब सारे निशान लगाए हुए थे, आप देख सकते हैं इसमें कील वगैरह भी लगा दी है, और ये ऊपर का वो नीचे का, नीचे 4.25 इंची के ऊपर स्कार्टिंग हम लोग ठोक रहे थे, तो 4.25 इंची के ऊपर स्कार्टिंग ठोक दी है, और उसके बाद में हम लोग पीछे से ठोक रहे हैं। और अभी टाइम लैप्स करके हम जल्दी से इसके अंदर रखते हैं, वो सारा दिखाते हैं खाँचा कैसे प्लाई के ऊपर सभी में कीले जो आप देख सकते हैं लगी हुई है निशान वगैरह ये। तो इसी निशान पे ही हम लोग सभी बोर्ड को रखते हुए चले जाएंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे।